अभी तक अपना पंचे जाऊं है, बादल से पानी के बरसात दिखे हो, किंतु सड़क मार जब लाठी के बरसात हो लागे तब अपना का सोचा। हमारे साथ चल रहा हुआ वीडियो यह कहा था कि देखी खुलेआम एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच खुलेआम खूनी संघर्ष हो लागे। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा के है, जहां एक पेड़ काटे के विवाद का लेके द्विपक्षन में खूनी संघर्ष हो गया। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा और सोशल मीडिया में जब वीडियो ये वायरल भा तो एमा तीन आरोपी का गिरफ्तार कर लिया गया। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंजन का सभी जने इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के, जो ने प्रवचक बताया थी कि रीवा में पेड़ काटे के लेके द्विपक्षन के बीच सड़क पर जमकर विवाद भा। विवाद के दौरान दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर जमकर लाठी और डंडा से बरसात कर दी। यह दौरान पास में खड़े कोनो व्यक्ति के द्वारा पूरी घटना की वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो वो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मारपीट के वीडियो वायरल होते पुलिस के द्वारा तत्परता दिखावत के मामला में तीन आरोपी का गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्यवाही की जा रही है। प्रवक्ता ने बताया घटना जवा थाना क्षेत्र के सितलहबा गांव के आए, जहां पेड़ काटे कर लेके द्विपक्षन के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना रविवार के शाम के है, जहां दोनों पक्ष लोगों के बीच सड़क पर एक दूसरे पर जमकर लाठी और डंडा बरसाए। मारपीट के वीडियो अब जो है सोशल मीडिया में बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि कौन तरह बर्बरता पूर्वक दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठी और डंडा बरसा वाला है। मारपीट की यह घटना कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया वायरल होने के बाद पुलिस तत्परता दिखावत की हत्या के प्रयास के मामला दर्ज कर तीनों आरोपी का गिरफ्तार कर ली थी। बताबे यह जा रहा है कि जवा थाना क्षेत्र के सितलाहा गांव के निवासी विवेक कुमार दुबे अपने घर से पेड़ के सूखी टहनी काट के अपने घरे ले जा रहे। ये बीच गांव के एक अफरोज साहिल और फिरोज खान के द्वारा लकड़ी ले जाए से मना कर देगा। ये बात कल के दोनों के बीच कहा सुनी हो गए, जोड़े माँ दोनों पक्षन माँ कई लोग एकत्रित हो गए और बीच सड़क पर लाठी डंडा के बरसात के दिन मामले माँ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दिन पुलिस के द्वारा तीन आरोपी का गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है। तो अपना बचक बताया दी कि यह एक घटना साफ तौर पर यह दर्शाती है कि इंसान इंसानियत भूल चुका है। हालात यह कि इंसान और जानवर में फर्क करने की आवश्यकता ही, हालात यह कि हमारे संवाददाता शिवेन तिवारी के द्वारा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से जब बात की गई तो उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि पूर्व घटना जो है उनके संज्ञान में है एवं आरोपी की गिरफ्तारी को ली गई। तो सुनी पीड़ित सहित जो है पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान। आपने अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। कुमार दुबे सितलहा जवा जवा मारपीट हुआ, सूखी डाली थी उसको लेके जा रहे थे पहले भी तो दो तीन दिन पहले, तो उसको रोक दिए, बोले कि मल लेके जाओ हमारे हमारा है ये है वो है। फिर हम उसको छोड़ के चले आए और उसको फिर छोड़ के उधर ही चले आए। फिर इसके बाद भाई जी गए थे, जबा गए थे तो उनको फिर वहाँ पे पकड़ के मारने लगे। मैं ऊपर खड़ा हुआ था चौराहे पे, तो दो तीन जन बताए कि वो लोग मार रहे हैं, तो फिर मैं भी गया उधर उनको बचाने के लिए, तो फिर मेरे को भी हावी पड़ गए। बिना बात कैसे मारना शुरू कर दिए? हाँ, बिना बात के भी बात के मारना शुरू कर दिए वो लोग। कौन था वो? अफरोज था, साहिल था और उसके पप्पा थे फिरोज खान, अब उसके भांजे भी थे। वो सब नगमा के हैं। गांव से कितना दूरी है? गांव से मेरे ही गांव में बसे हुए हैं, उनका गांव नहीं है मगर मेरे ही गांव में बसे हुए हैं। मगर उधर से कोई भी गुजरता है तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, उधर ही दारू शराब गांजा सब बेचते हैं। भाई को मेरे मारे थे, मेरे को मारे थे और दो तीन दिन पहले और झगड़ा हुआ था उनका, पटेलों से हुआ था। हाँ, वो मतलब आए दिन विवाद उधर होता ही रहता है। जी, विवेक कुमार दुबे, बिजेंद्र कुमार दुबे। परसों शाम को 12 तारीख को दो पक्षों में पेड़ काटने को लेकर मामूली विवाद हुआ, जिसमें उसके पश्चात उनके बीच आपस में मारपीट हुई। तत्काल थाने में दोनों पक्षों का मेडिकल करा के
एफआईआर रजिस्टर की गई। कल उसी घटना से संबंधित एक वीडियो जब प्राप्त हुआ और जानकारी मिली कि इसमें इस प्रकार का कृत्य किया गया है, घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी के नेतृत्व में तीन थानों की टीम बनाई गई और मात्र एक घंटे के अंदर ही तीन मुख्य आरोपी जो उसमें दिखाई दे रहे हैं उनको अरेस्ट किया गया। अभी जो घटना है उसकी विवेचना जारी है। एसडीओपी और उनके आसपास के थानों की टीम मौके पर ही कैंप किए हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसा आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि रात को भी सोशल मीडिया पर फेसबुक पर कुछ लोगों ने वीडियो लगाया था, परंतु जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है तत्परता से की गई है, तत्काल की गई है, उन लोगों ने धन्यवाद भी दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार कोई कृत्य होता है तो समाज में उसको हम लोग उसको बंटवारे के रूप में उपयोग न करके आगे बढ़ के सौहार्द बढ़ाने में सहयोग करें।